और जो पांचों राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं, श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल बहुत भाजपा परिवार में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था, यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को सुबह सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी
परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है या जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूँ और भाजपा परिवार में आ करके उनको बहुत मैं मानता हूँ प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वह अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। मेरा आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो, मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।